पश्चिम बंगाल से खबर। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर कोलकाता में नवाना मार्च का उग्र प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं, जब छात्रों और आम लोगों ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर नवाना मार्च का आयोजन किया। यह प्रदर्शन आरजी कार मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हुए कथित बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर शुरू हुआ है, जिसने पूरे राज्य में रोष भड़का दिया है। प्रदर्शनकारियों ने कोलकाता के प्रमुख स्थलों पर मार्च निकाला, जिसमें हावड़ा ब्रिज भी शामिल था। यहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भारी झड़प हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी सहित कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और पानी की बौछारों का सहारा लिया। खासकर हावड़ा ब्रिज पर एक प्रदर्शनकारी ने राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए पुलिस की ओर से चलाए गए पानी के तोपों का सामना किया। यह दृश्य ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया है। इस बीच नवन्ना को जो राज्य सचिवालय है उसे एक किले में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस की भारी तैनाती और बैरिकेडिंग के बीच सरकार प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन राज्यभर में फैली असंतोष की लहर के कारण ममता बनर्जी सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वीडियो में देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें। चलो 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 चलो।